हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित, तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज पोल्ट्री का मेरा 29वां दिन चल रहा है, डे 29। तो डे 29 में मैं क्या मैनेजमेंट करने वाला हूँ और कौन सा मेडिसिन मैं स्प्रे करने वाला हूँ आज, तो ये इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्त, एक छोटा सा बात बोल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का बर्ड्स बड़ा हो जाता है 32 या 33 डेज तक, ये टेंशन रह जाता है कि चिक्स में कहीं ठंड ना आ जाए। चिक्स में अगर ठंड आएगा तो नुकसान 100% है, क्योंकि जैसे ठंड आ जाता है तो आपको पता चलेगा कि चिक्स जो है चिक चिक करके साउंड करता है। तो इसका कारण से हम लोगों को पता चलता है कि चिक्स में थोड़ा सा ठंड आ सकता है या फिर आ गया। तो इससे पहले आपको ये ट्रीटमेंट करके रखना चाहिए, तो मैं आज वही करने वाला हूं। क्योंकि सुबह में फार्म में घुसने के बाद मेरे को ये पता चला कि थोड़ा बहुत चिक्स जो है चिक चिक करके साउंड कर रहा है। तो इस बार को बहुत सारे फार्मर्स ने एक गलती कर दी थे कि एंटीबायोटिक कुछ इस्तेमाल कर देते। तो जैसे कि आपका फार्म में अगर चिक्स का वेट 1600 या फिर 1700 करके आसपास हो गया, तो इस टाइम पर आपको ये एकदम नहीं करना है कि चिक्स में कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करना है। क्योंकि एंटीबायोटिक यूज़ करने से वो फीड भी छोड़ दे सकता है। इस बड़ा टाइम में अगर फीड एक दिन के लिए छोड़ देगा तो ये डेफिनेटली आपका बॉडी वेट जो है माइनस हो जाएगा। तो इसका कारण से आपको टोटल जो ये डिजीज़ को, मतलब साउंड हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो, इसको अगर आपका फार्म से हटाना है तो आपको ये करना चाहिए। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन इस बड़ा चिक्स में आ जाएगा तो आपका फार्म में डेली मोर्टेलिटी 4 से 5 स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही नुकसान कर देता है फार्म में एफसीआर का, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टोटल एफसीआर के ऊपर टिका हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी डिजीज़ आने से पहले आपको ट्रीटमेंट करके रखना चाहिए, जाके बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वही मैं करने वाला हूँ आज। जैसे कि सुबह में आके फार्म में थोड़ा सा चिक चिक करके साउंड कर रहा था 2-4 चीज, तो मैं सोचा कि पहले से ही ट्रीटमेंट करके रख दूँ, मतलब स्प्रे करके रख दूँ। हो सकता है ये कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन होने से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठंड होने के कारण से आपका फार्म में बॉडी वेट थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इसलिए एफसीआर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और पेमेंट उतना ठीक तरह से नहीं मिलता। तो मैं आज ये वाला मेडिसिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये वाला मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है सूजी टीएच एक्स्ट्रा। तो सूजी टीएच एक्स्ट्रा मैं दो फार्म के लिए, मतलब जैसे कि इधर एक तो फार्म है और आप देख पा रहे हैं कि उधर में ऑटो टिंकर वाला फार्म है, तो इस दो फार्म में अभी 3000 का चिक्स है। तो इसलिए मैं 10 लीटर पानी लिया। 10 लीटर पानी में ये जो मेडिसिन है, ये हर लीटर पानी में 5 ml का हिसाब से, मतलब 10 लीटर में मैं 50 ml यूज करूँगा। इसको ठीक तरह से घुल के मैं जो नीचे साइड का जो पर्दा है, पर्दा को मैं गिरा के स्प्रे करने वाला हूँ। जो नीचे साइड का जो पर्दा है, टोटल पर्दा को गिरा के मैं स्प्रे करने वाला हूँ, जाके फार्म के अंदर ये मेडिसिन का जो गैस है वो थोड़ा बने रहे, जाके गैस बाहर ना जाए। और मैं ये जो मेडिसिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ठीक से, ये है सूजी टीएच एक्स्ट्रा। ये एक्चुअली बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन है। और मैं दोस्त एक बार बोल देता हूँ कि इस मामले में, मतलब चिक्स के कोई डिजीज़ के मामले में, आप दाम उतना कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि दाम उतना आपका फार्म में कोई लॉस नहीं कर सकता। जैसे कि आपका फार्म में, मतलब मैं अभी जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ इसका दाम हो जाएगा लगभग 40 से 50 रुपये। तो 40 से 50 रुपये मैं अगर खर्चा करके इस चिक्स को थोड़ा सा नुकसान से बचा सकता हूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा है। और आपको पता है कि 2-4 चिक्स अगर मर जाएगा या फिर मोर्टेलिटी का अंदर चला जाएगा तो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जो करता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉस्टली मेडिसिन यूज़ करता हूँ। तो दोस्त, मैं ऐसा ही मैनेजमेंट और मेडिकेशन कर रहा हूँ अभी। तो इसी के साथ दोस्त, मैं समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।